ओके, हम लोग अभी बना रहे हैं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बेस पे हमने टमाटो सॉस, रेड चिली सॉस, ओके, शिमला, ओनियन, चीज़ वगैरह सगड़ सब घिसा है उसके ऊपर और मसाला भी डाला है। ओके, अब पिज़्ज़ा बना रहे हैं हम लोग। मैम आप ध्यान रखना, ग्रिल मोड में लेंगे। ग्रिल मोड पे? हाँ, ग्रिल मोड। ओके, अब हम इसको ग्रिल कौन सा मोड है बताता हूँ। इसको आप ध्यान रखना बस। ओके, देखिए ये जो है माइक्रो, ओके, ये ग्रिल दिया है, ओके, ये ग्रिल प्लस रोटेसरी दिया है, ओके, ये जो दिया है माइक्रो प्लस कन्वेक्शन दिया है, और ये माइक्रो प्लस ये हाँ कन्वेक्शन, हाँ रोटेसरी। हम लोग पनीर कबाब जो बनाने वाले हैं वो रोटेसरी में बनाएंगे। ओके, पनीर टिक्का रोटेसरी है? हाँ रोटेसरी, रोटेसरी मीन्स घूमता भी है ऊपर से एड भी होता है। ओके, अब हम लोग पिज्ज़ा बना रहे हैं। स्टार्ट करूँ मैं? अभी ये ग्रिल किया मैंने। ओके, ग्रिल किया। ग्रिल करने के बाद ये देखिए यहाँ रेड फ्लैश होता है लाइट। ओके, ये बोलता है सिलेक्ट करना है, जल्दी करो। ओके, फिर यहाँ से मैंने इसको ग्रिल सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सॉरी ग्रिल, यहाँ से जल्दी टाइम देना है आपने, 7 मिनट देना। डिग्री आती है ना ग्रिल में? ग्रिल में डिग्री नहीं होता है। ओके, 6 मिनट दिया मैंने ग्रिल में। ग्रिल में हीटर ऑन होता है, ओके, जिसके कारण उसमें डिग्री नहीं होता है। आपका बॉश का माइक्रो ओवन है, देखिए अभी ग्रिल में क्या होगा कि हीटर ऑन हो जाएगा ऊपर से, और वो पिज़्ज़ा बेस आपका ब्राउनिश रेडिश रोस्ट हो जाएगा। चीज़ मेल्ट हो गया यानी आपका पिज़्ज़ा रेडी हो गया। आप ग्रिल में आप ग्रिल मींस रोस्टिंग, आप नॉनवेज यूज करते हैं? हाँ, तो नॉनवेज में आप ग्रिल में जो है चिकन फिश, ओके, नॉनवेज पनीर कबाब ये रोस्ट कर सकते हैं आप, चिकन तंगड़ी, चिकन मुर्गा, ओके, फिश, चिकन लॉलीपॉप, चिकन टिक्का, ग्रिल मींस रोस्टिंग के लिए होता है। कन्वेक्शन 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 और ग्रिल में आप रोस्टिंग का कर सकते हैं। हाँ, कन्वेक्शन कौन सा है? प्रॉपर कन्वेक्शन, प्रॉपर कन्वेक्शन ये देखिए, ये ग्रिल प्लस कन्वेक्शन है। ओके, कन्वेक्शन प्रॉपर आपका ये है, इसमें केक बनाते हैं। हाँ, ग्रिल और कन्वेक्शन में आप स्टील, मेटल, जर्मन, पित्तल, लोखंड, सोना, चांदी सब पॉट यूज करेंगे इसमें, ग्रिल और कन्वेक्शन। ग्रिल और कन्वेक्शन में माइक्रो में टपरवेयर बोरोसिल यूज करेंगे, सादा मिरर प्लास्टिक, सिर्फ 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो चिकन का आइटम बनाने में माइक्रो में यूज कर सकते हैं ना? माइक्रो समझे कि जामर खुशबू आ रही है आपको? मेरे को सिर्फ वो चिकन इसका जो टिक्का और जो लेग पीस बना दे। माइक्रो में बनाएंगे आप? अभी आपने ग्रिल में बोला ना? हाँ, नॉनवेज तो रोस्ट करने के लिए। अच्छा, लेकिन आपको गलाना है तो माइक्रो में करना। माइक्रो कौन सा रहता है? माइक्रो का ये हाँ। उसमें चिकन कितने टाइम तक सेट करना? चिकन क्या 8 मिनट हाँ।
900 चिकन जो 900 लिखो और कितने 8 मिनट पूरा ये हो जाएगा। हाँ और पहले चिकन को ये करना करना पड़ता है मैरिनेट मैरिनेट करना पड़ता है। हाँ मैरिनेट अब मुझे देखना है मैम हुआ है या नहीं हुआ। मैं इसको चालू में खोल सकता हूँ। हाँ मुझे देखना है पिज़्ज़ा बना है या नहीं बना है। बन गया है पिज़्ज़ा। अभी बन गया आपके कैसा समझ में आएगा। अभी मुझे समझ में आ गया बन गया। आप वेजीज तो कच्चे लग रहे हैं। रोस्ट हुए ना हुए। हाँ थोड़े थोड़े हुए। ये चीज़ जो मेल्ट हो जाता है ना उससे समझ में आ जाता है कि पिज़्ज़ा बन गया है। लेकिन मेरे पास में अभी 2 मिनट बाकी है और ये भी क्रिस्पी हो गया ये कड़क हो गया है आपका बेस। वो फूलता नहीं है। वो फूलता नहीं अंकल। बेक नहीं कर रहे आप उसको रोस्ट कर रहे। बेक करें ना तब फूलता है। तो वो करना चाहिए उसमें मजा आता है खाने में। तो ब्रेड रेडी है ना करें डोमिनो द्वारा पहले ब्रेड है ना वो तभी उन्होंने मोटी उन दिया। इसको ये जाना नहीं बन सकता ये जो ब्रेड है ये वो फूल नहीं सकता ये नहीं ये बना दिए ना अंकल बनने के बाद नहीं फूलता नहीं पहले ये कच्चा है ना अभी तो जो बाहर पड़ा है। हाँ तो ये रोस्ट हो रहा है ना बन रहा है ना उसमें ब्रेड तैयार है ना तैयार ना कितनी आप मुझे फूल लगी वो पेन में देर है ना वो फूल दी ये ब्रेड ये ऑप्शन का क्या बोला ग्रिल प्लस रोटेसरी ये जो है ना ये फूलता नहीं है कभी नहीं अंकल वो रेडी बना हुआ है ना वो कैसा फूलेगा बनेगा बना हुआ नहीं फूलता है। और ये तंदूर खुशबू आ गई देखो बाबा। 5 मिनट में हो गया है 6 मिनट दिए थे। माइक्रोवेव में बर्तन का ध्यान रखना है बाकी सब में सब बर्तन चलेंगे। सब चलेंगे। गरम है। हाँ गरम है। कपड़ा दो खाने वाले भी आ गए। देखो ये ब्राउन हो गया आप देख पा रहे हैं क्या ये बना कैसा साइड से पूरा ब्राउन हो गया है। ठीक है ये पूरा ब्राउन हुआ है साइड से और क्रिस्पी भी हो गया यानी आपका पिज्जा रेडी हो गया। अभी पापा अच्छा कन्वे